किड्स। हाय सर। देखो हमारे पास क्या है, ये दो क्या है, कांच की ग्लास। कांच की ग्लास से देखो हम करना क्या है, कांच की ग्लास से हमने क्या बनाना है, हमने आज निकालना सीखना है क्या, आयतन। ठीक है, अब आयतन में देखो जैसे हमारे घर में क्या होता है, दूध नापने का एक बर्तन होता है ना, काई में होता है, क्या यूनिट होती है उसकी, लीटर लीटर या लीटर से छोटा, मिली मिलीलीटर। लीटर। ठीक है, तो जैसे 500 500 ml के अगर हमने दो डाल दिए तो 500 500 ml मिलके क्या बन गया, 1 लीटर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आधा लीटर दूध दे दो, तो आधा लीटर मतलब कितना ml हो गया, 500 ml। ठीक पांच है, अब देखो माना हमारे पास ml का बर्तन नहीं है, और हमने थोड़ी देर के लिए माने जैसे हमारे पास जो बुक में जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में हमने बोला कि हमने कंचों का क्या निकालना है, आयतन। आयतन का मतलब है कि कौन सी चीज कितनी जगह घेर रही है, एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। आयतन का मतलब होता है, आयतन उन चीजों को निकाला जाता है जो कैसी हैं, थ्री डायमेंशनल, और क्षेत्रफल किसका निकलता है, टू डायमेंशनल। अब देखो इस बॉडी में अगर हम कुछ भरेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल होगा या टू डायमेंशनल, थ्री थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो दो गिलास हैं हम बना लेते हैं मेजरिंग के लिए ग्लास, हम इस पर एक निशान लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया, निशान लगा दिया हमने इस पर, और इसी के पैरेलली हमने क्या लगा दिया, इस गिलास में भी निशान लगा दिया, दो निशान लग गए, दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर बराबर पे है ये निशान। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक पानी भरना है, इस निशान तक हमको पानी भरना है। भैया इस निशान तक पानी, और इस वाले में भी इस निशान तक हमने पहुंच गया। हो गया, इस निशान तक पानी भर गया दोनों में। अब देखो अब करना आपको क्या है, इस निशान तक हमने पानी भरा, और इसमें भी हमने इस निशान तक पानी भरा, अब तक हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, अब तक सिर्फ इसमें क्या है, पानी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 0, और यहां पर भी हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, दोनों में 0 0 हो गया, 0 लिख दिया इसमें, और उसमें भी हमने लिख दिया 0। अब आपको क्या करना है, देखो अब हम इसमें डालते हैं एक मार्बल या कंचा। ठीक है, एक कंचा डालें इसमें, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आया, एक और डालते हैं इसमें, दो तीन, तीन कंचे हमने इसमें डाल दिए, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आया कि नीचे, ऊपर आया। अब देखो तीन कंचे के बाद पानी का निशान जहां पर आ गया वहां पर हमने एक नया निशान लगा लिया। अब हम यहां पे कितना लिखेंगे, थ्री, मतलब इस 0 से लेके और इस 3 तक जितना पानी आया वो तीन कंचों के बराबर था। ठीक हो गया, अब हम इसमें तीन कंचे और डालते हैं, 4 5 और 6, पानी का नया लेवल आ गया। अब हमने जो नया लेवल आया उस पर एक निशान लगा, और यहाँ पे कितना लिखना है, अब हमने 6। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तीन कंचों और 6 कंचों का हमने दो लेबल्स बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें डालते हैं रबड़ इरेजर। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं इरेजर, डालते हैं हम इसमें दो इरेजर डालते हैं या एक डालते हैं, देखो चल गया एक, ठीक हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक इरेजर के बाद नया हमारे पास एक पानी का लेबल आया, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, वन वन। इरेजर के लिए हम ई लिख लें, ठीक है, और इनके लिए हम क्या लिख लेते हैं, मार्बल के लिए एम, 3 m और 6 m। ठीक है, यहां पर हमने लिख लिया 1e, एक इरेजर और डालते हैं हम इसमें, नया पानी का लेबल आया, यहां पर क्या लिखे अब हम, टू क्या, ठीक हो गया। अब आपको देखो क्या करना है, अब हम ये पता कर सकते हैं कि इन मार्बल्स से कितना पानी हट रहा है और इन इरेजर से कितना पानी हट रहा है। ठीक है, अब देखो अब मिलाते हैं इसको, पानी का लेबल मिल रहा है यहां पे, दोनों पे सेम आ रहा है पानी का लेबल, ध्यान से देखो आ रहा है सेम। इसका मतलब 6 मार्बल्स बराबर कितने ई हैं, 2e, मतलब 6 मार्बल ने जितना पानी हटाया उतना ही दो इरेजर्स ने भी हटाया। इसका मतलब एक इरेजर कितना पानी हटा सकता है, दो ने हटाया 6, तो अपने नोटबुक लेके आओ। कितना, 6 m बराबर 2 e।
ठीक हो गया। 6m बराबर 2e, 6m इज इक्वल टू 2e, ठीक है। इसका मतलब 3m बराबर कितने e? 3 मार्बल बराबर 1e, मतलब एक इरेजर जितना पानी हटाता है उतने ही 3 मार्बल भी हटाते हैं, और जितना 6 मार्बल हटाते हैं उतने कितने इरेजर हटाते हैं? 2 इरेजर, ठीक है। ठीक है, मतलब 3 मार्बल का जो आयतन है वो एक रबड़ के बराबर है, ठीक है, समझ आया। ऐसे आप भी बना सकते हो, और